हेलो क्लास एलकेजी, कैसे हैं सब बच्चे? आई होप ऑल आर फाइन। सभी अच्छे हैं, आपके घर में सब लोग अच्छे हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं, ठीक है? तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का वर्क। आज मैंने आपको स्मॉल लेटर्स, अभी तक मैंने A4 A2 I कराया है ना, A B C D E F G H I। ओके, तो आज आपको इसी को रिवाइज करना है। देन वी विल फर्दर एक्सीड टू नेक्स्ट लेटर। उसके बाद हम नेक्स्ट लेटर पर अगर आगे आएंगे बेटा, तो आज सभी बच्चे A4 apple कैपिटल एंड स्मॉल, B4 ball कैपिटल एंड स्मॉल, जैसे मैंने बनाया बिल्कुल इसी तरह आप कैपिटल एंड स्मॉल को 2 times राइट करेंगे, ठीक है बेटा? बोल बोल कर, है ना? फिर उसके बाद इससे रिलेटेड मैं आपको एक्टिविटीज़ भी दूंगी। तो सबसे पहले आज आपको ये वर्क करना है, ठीक है? चलिए, थैंक यू। नाउ सी द मैथ्स वर्क। मैथ्स में क्या करना है बेटा? मैथ्स में आज आपको करना है बैक काउंटिंग। आज हम बैक काउंटिंग करेंगे। क्या करेंगे? बैक काउंटिंग। देखिए, अभी तक हम काउंटिंग कर रहे थे, फॉरवर्ड काउंटिंग कर रहे थे, यानी कि 1 2 3 4 5 6। अब हम बैक यानी कि रिवर्स काउंटिंग चलेंगे, उल्टी गिनती लेकर चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 to 1, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, अगेन वी आर रीडिंग। आप इसको लर्न भी करेंगे, यू विल लर्न इट, यू विल रिवाइज इट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सो टुडे यू विल राइट दिस 3 times, 3 बार लिखना है और इसको फिर रिवाइज भी करना है। ओके, नाउ सी द हिंदी वर्क। आपका हिंदी वर्क देख लीजिए बेटा। हिंदी में क्या करना है? हिंदी में आज आपको करना है क कबूतर, ख खरगोश, के गमला, घे घड़ी, आणे खाली, च चम्मच, छ छतरी, जे जहाज, जे झंडा, आणे खाली, ठीक है? तो आपको यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट करना है। अ से अ खाली तक आप लोग कर चुके हैं, तो आज आप लोग यहाँ तक करेंगे। तो सभी बच्चों का कंप्लीट करना है। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, एक सीधी खड़ी रेखा, फिर एक आधा गोला, फिर से मिला के एक छोटी लाइन, फिर से नीचे खड़ी लाइन छोटी, ये बन गया क। ख देखो कैसे बनाना है, एक आधा गोला, फिर एक यहाँ पे खड़ी रेखा, फिर इससे मिलाती हुई ये रेखा हम यहाँ लाएंगे तिरछी करके, और यहाँ एक आधा गोला क कबूतर की तरह, ये बन गया ख। ग गमला कैसे बनाना है, एक सीधी रेखा और फिर एक छोटी रेखा, फिर उसे मिला के बना देंगे ऐसे घुमा के गोला, ये बन गया ग। घ कैसे बनाना है, एक ऐसा सीधी खड़ी रेखा और फिर एक आधा गोला यहाँ से, फिर उससे मिला के एक और आधा गोला और इसको बंद कर देंगे, ये बन गया हमारा घ। और ड ई से इमली की तरह बनाएंगे, ठीक है? ऐसे छोटा सा वन, फिर आधा गोला, फिर उससे मिलाकर इधर की तरफ से एक आधा गोला बन गया और यहाँ एक डॉट बिंदी, ठीक है? अब च चम्मच देखिए कैसे बनाना है, एक सीधी रेखा, फिर एक छोटी सी पड़ी रेखा, उसके बाद आधा गोला घुमा के इस तरह से यहाँ लेकर जाएंगे च। छ चम्मच आधा गोला, घ घड़ी की तरह बनाएंगे, फिर एक आधा गोला लेकिन डंडा नहीं खींचेंगे और इसको ऐसे घुमा के जोड़ देंगे, बन गया छ। और ज कैसे बनाना है, सीधी खड़ी रेखा, एक छोटी सी पड़ी रेखा और ये इसे ऐसे घुमाते हुए ये आधा गोला यहाँ पर लाएंगे, बन गया ज। और झ झंडा छोटी असेंबली की तरह ही बना देंगे बिल्कुल ऐसे, और इसे घुमाते हुए इधर लाएंगे और फिर एक ऐसे डंडा बना देंगे सीधी खड़ी रेखा और यहाँ से इसे इसको पड़ी रेखा से जोड़ देंगे, झ झंडा। अब आहा खाली कैसे बनाना, आने खाली, एक बनाया फिर एक आधा गोला बनाया खुला हुआ और फिर उसको पीछे से ऐसे जोड़ दिए, बन गया हमारा ड। तो सभी बच्चे आज यहाँ तक के अक्षरों की पहचान करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और बुक में इसको रीडिंग करेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू एवरीवन।